It's next time around. Financial statements of the non-profit organizations. ये हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था. इसमें आपके ये दो अकाउंट्स बनते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपनी शो कर फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने के लिए आप लास्ट में बैलेंस शीट बनाओगे. रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो सबसे पहले हम करते हैं अपना रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है आपका, ये कम्प्लीटली जैसे आप कैश अकाउंट बनाया था आपने उसी तरीके से मिलेगा. तो इट इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट. कैश अकाउंट की तरह ही हमारा जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, इट इज एन एसेट अकाउंट. एसेट्स अकाउंट रहेगा. इसको भी हम स्टार्टिंग जो करेंगे, ये एसेट्स अकाउंट के बारे में आपको ये पता होगा कि एसेट्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है. मीन्स जिस भी चीज का आपका डेबिट बैलेंस होगा उसमें अगर आप उसको और डेबिट करोगे तो वो इंक्रीज होगा. उसको बढ़ाने के लिए हम डेबिट करते हैं, और अगर उस चीज को आपको कम करना है तो आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा. तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम अपनी सारी रिसीप्ट्स जो भी आपकी कैश में और बैंक में आई हैं उन सबको ऐड करते हैं. कैश अकाउंट की तरह ही इसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर डेबिट बैलेंस में. ओपनिंग कैश बैलेंस एंड ओपनिंग बैंक बैलेंस के साथ ये आप पहले डेबिट में स्टार्ट करोगे. और एक अकाउंट की तरह जो भी हमारी एसेट्स का बैलेंस होता है उसमें डेबिट करने पर वो एसेट हमारी बढ़ती चली जाती है. तो जितनी भी रिसीप्ट्स होंगी आपकी कैश में और बैंक में किसी भी एनपीओ की, ऑल रिसीप्ट्स आप उनको डेबिट करोगे. और नेक्स्ट क्रेडिट साइड पे आपके ऑल कैश एक्सपेंडिचर्स. यहां पर आपको ये चीज ध्यान देनी है कि जितने भी ऑल मींस ऑल रिसीप्ट्स, इसमें जो नेचर ऑफ रिसीप्ट होगा आपका, ऑफ रिसीप्ट्स और पेमेंट, चाहे वो रिसीप्ट्स हो चाहे पेमेंट, उसके नेचर को आप बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा. ये नॉट मैटर्स. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका वो रिसीप्ट्स या फिर पेमेंट, चाहे ये आपकी कैपिटल रिसीप्ट है और चाहे रेवेन्यू रिसीप्ट है, पेमेंट के साथ भी एक्सपेंडिचर्स के साथ भी, चाहे ये आपकी कैपिटल पेमेंट्स हैं और चाहे रेवेन्यू पेमेंट्स हैं, आपको सभी को उनको अकाउंट फॉर करना है. डेबिट साइड पर हम रिसीप्ट्स करते हैं तो डेबिट साइड पर सारी रिसीप्ट्स, मींस कि चाहे वो आपकी कैपिटल रिसीप्ट्स है या रेवेन्यू रिसीप्ट्स है, और क्रेडिट साइड पर सारे पेमेंट्स, चाहे वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पेमेंट्स होंगे और चाहे वो आपकी रेवेन्यू पेमेंट्स हो, तो वो सारी यहाँ पर आ जाएंगे. और लास्ट में एक्सपेंसेस के बाद हम यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक अपना ये शो करेंगे. नेक्स्ट इसी के साथ ही बी पॉइंट है हमारा कि जो टाइम पीरियड फॉर विच द आपकी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स रिलेट्स, उसको भी ध्यान में नहीं रखा जाएगा. मींस कि जो भी आपको रिसीप्ट हुई है, वेदर दे आर रिलेटेड टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, किसी भी ईयर से रिलेटेड आपको कोई भी अमाउंट रिसीव हुआ है, तो उसको आप अपने रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे शो करोगे. एंड इसी तरीके से अगर कोई भी पेमेंट हो, चाहे किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, पिछले साल से रिलेटेड है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, या आपका जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उससे रिलेटेड है, तो उन सबको ही आप पेमेंट साइड पर, मतलब क्रेडिट साइड पर उनको शो करोगे. तो ये कम्प्लीटली हमारा इस
इससे आपको क्या पता चलेगा, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमें क्या शो करेगा कि उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए टोटल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर जो भी आपका है वहां से स्टार्ट होने तक एंड तक आपको कितनी तो रिसीप्ट्स हुई है और कितनी आपने पेमेंट किया इन कैश, वो कौन से नेचर की है, कैपिटल रेवेन्यू, कोई भी पेमेंट आपने की है कैपिटल हो रेवेन्यू उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पिछले साल की है, अगले साल की है, करंट ईयर की है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको ये पता चल जाएगा इससे कि आपके पास ओपनिंग इस ईयर में स्टार्टिंग में कितना कैश का बैलेंस था और बैंक का बैलेंस था, कितनी आपको टोटल रिसीव्स हुई कैश की, और उस सारे अमाउंट में से आपने कितना अमाउंट आप पेमेंट कर चुके हो और लास्ट में आपके पास कैश और बैंक का कितना बैलेंस है। इसलिए यहाँ पर बात कर रहे थे हम, रिसीप्स आर ऑफ टू टाइप्स, कैपिटल रिसीप्स और रेवेन्यू रिसीप्स। दोनों ही टाइप की रिसीप्स को हम रिसीप्स एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे डालते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल रिसीप्स होती कौन सी है, कैपिटल रिसीप्स आर दोज रिसीप्स विच आर नॉट ऑफ द रूटीन नेचर, मीन्स दे आर नॉट रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर कैरिंग आउट देयर नॉर्मल एक्टिविटीज, जो उनकी डे टू डे एक्टिविटीज हैं उनसे हमें नहीं मिलती हैं, तो मीन्स नॉट ऑफ नॉर्मल ऑपरेशंस और एक्टिविटीज इनकम, रूटीन नेचर की ये नहीं होती है। लास्ट आप इसको ये भी समझ सकते हो कि जितनी भी हमारी कैपिटल रिसीव है दे रिसीव दीज रिसीप्स आर फॉर द एनी स्पेशल पर्पस, ये स्पेशल पर्पस के लिए भी होती है, स्पेसिफिक पर्पस होता है इनका जब ये रिसीप्स होती हैं तो। और फॉर एग्जांपल आप इनमें कह सकते हो कि लाइफ मेंबरशिप फीस है, ये आपको हर लाइफ मेंबरशिप फीस है जो हमारे जो मेंबर्स हैं वो एक ही बार देते हैं, वो ऐसा नहीं है कि उसको रूटीन में देंगे, जैसे सब्सक्रिप्शन होता है तो सब्सक्रिप्शन आपको हर साल मिलेगा बट लाइफ मेंबरशिप फीस एक ही बार होगी। बिल्डिंग फंड्स हैं, अगर कोई फंड आपको कोई भी डोनेशन मिली है स्पेसिफिकली फॉर द एनी पर्टिकुलर फंड, जैसे बिल्डिंग फंड हो गया उसके लिए मिली है तो वो भी हमारी कैपिटल रिसीप्स में आ जाएगा। या इसी तरीके से कॉर्पस डोनेशंस होती हैं, कॉर्पस डोनेशंस होती हैं कि जिनको स्पेशल उनके लिए किसी कोई पर्पस आपको डिसाइड किया जाता है, तो इस तरीके से जो हमारी इनकम है जो कि आपके नॉर्मल जिस चीज के लिए आपने वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किए हैं उन एक्टिविटीज के अलावा अगर आपको कोई नॉर्मल एक्टिविटीज से हटके कोई इनकम रिसीव होती है तो दैट इज ऑफ द कैपिटल नेचर, और वो स्पेसिफिक पर्पस होती है। और उसके एग्जाम्पल ये तो सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल हैं, और भी कोई भी इस टाइप की इनकम होगी तो वो हमारी कैपिटल रिसीप्स मानी जाएगी। नेक्स्ट हमारा होगा कि व्हाट आर द रेवेन्यू रिसीप्स, तो इनके अलावा जो हमारी रिसीप्स होंगी, रेवेन्यू रिसीप्स कौन सी होंगी जो कि आपको किससे रिसीव होती है कि जिस एक्टिविटी के लिए आप, जो नॉर्मल एक्टिविटी है आपकी ट्रस्ट की, आपकी कॉपरेटिव सोसाइटी की, तो उनकी जो हमारी नॉर्मल होंगी एक्टिविटीज की वो हमारी इनकम सारी किसमें आ जाएगी, रेवेन्यू रिसीप्स में। जैसे अब इसमें रेवेन्यू रिसीप्स में है कि आपको बिल्डिंग का कोई पार्ट आपने रेंट पे दिया हुआ है तो उससे कोई रेंट रिसीप्स हुए हैं, रेंट रिसीप्स, कोई इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है तो इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखेंगे कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर फंड है उसको इन्वेस्ट किया हुआ है तो उससे होने वाली जो इनकम है उसको हम रेवेन्यू रिसीप्स में मानते हैं, क्योंकि वो इनकम किसी पर्टिकुलर फंड की जो इन्वेस्टमेंट की अगर कोई इनकम होगी तो वो उसी फंड में जोड़ दी जाती है, इसलिए हम उसको रेवेन्यू रिसीप्स में ऐड नहीं करेंगे। इसी तरीके से कोई भी और जिससे, जैसे अगर सपोज आपकी स्पोर्ट्स अकेडमी है जो आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो स्पोर्ट्स अकेडमी है तो इससे सेल ऑफ टिकट से होने वाली, या फिर आपने कोई ग्राउंड को कभी लेट आउट किया है उससे होने वाले, तो इस तरीके से उन रिसीप्स को हम किसमें ऐड करेंगे, रेवेन्यू रिसीप्स। सेम हमारे इस तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंसेस कौन से होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपके डे टू डे रूटीन के, जो कि बार बार होने हैं, रूटीन नेचर के जो एक्सपेंडिचर होते हैं दे आर रेवेन्यू रिसीप्स। और सबसे मेन बात है ये है, एक तो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस रूटीन नेचर के होते हैं,
दूसरा है कि इस टाइप के जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपको लंबे समय तक आप उनको बेनिफिट नहीं लेते हो, आप उनको दे बेनिफिट. दीज एक्सपेंसेस विल गिव बेनिफिट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर. जिस ईयर के लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो सिर्फ उसी पर्टिकुलर ईयर में उसका बेनिफिट आप रिसीव कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम रेंट पे करते हैं या फिर सैलरीज पे करते हैं या कोई भी प्रोफेशनल्स अगर लगाते हैं तो उनको होनोरेरियम पे किया जाता है. इसी तरीके से इंश्योरेंस प्रीमियम हो सकता है आपका. जो भी हम अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए उस NPO के जो भी ऑपरेशंस हैं उनको चलाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस पे करेंगे रूटीन में ईयर टू ईयर दे आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसके साथ ही फिर हमारा आ जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्या होते हैं देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारे वो एक्सपेंडिचर आएंगे जो कि हमारे एक तो रूटीन नेचर के नहीं होंगे, दूसरे वो सबसे बड़ा उनका जो पॉइंट होगा वो यही होगा कि वो हमें बेनिफिट देते हैं. उनका जो बेनिफिट है वो हम बियॉन्ड द ईयर भी रिसीव कर पाते हैं कि मोर देन वन ईयर वो आपको बेनिफिट देते हैं. तो सपोज अगर आपने कोई बिल्डिंग परचेज की है सपोज, तो ये जो हमारा एक्सपेंडिचर होगा दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि वो बिल्डिंग आपके पास कई सालों तक चलेगी आगे. इसी तरीके से कोई भी आप कोई भी अदर फिक्स असेट्स परचेज करते हो और उसके लिए जो पेमेंट की जाएगी वो जो एक्सपेंडिचर रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर. और क्योंकि उसका बेनिफिट हमें केवल अपने पर्टिकुलर ईयर में ही नहीं बल्कि उसके बाद तक भी मिलेगा, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं. और जब हम रिसीप्स एंड पेमेंट अकाउंट की बात करते हैं तो उसमें रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहे जैसा भी हो उसको भी हम क्रेडिट साइड में पेमेंट साइड पर शो करेंगे. एक इसमें आप ये और इम्पोर्टेंट बात है, पहले दो चीजें तो हमने डिस्कस कर ली थी कि ना तो नेचर ऑफ एक्सपेंस और ना ही कोई भी पीरियड ऑफ एक्सपेंस कि वो आपका जो एक्सपेंसेस आपने किए हैं वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो सकते हैं, चाहे आपके प्रीवियस ईयर्स करंट ईयर कहीं से भी होंगे, लेकिन अगर आपने इस पर्टिकुलर ईयर में पेमेंट की है तो वो आपके एज अ एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड में आप रिसीप्स एंड पेमेंट अकाउंट में शो करोगे. इसके अलावा हम ना तो इसमें कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई आपकी एक्रूड इनकम है, किसी के लिए भी इस तरीके की एक्रूड इनकम, ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट जो कि हम नॉर्मली अपने नॉमिनल अकाउंट्स में करते हैं वो यहाँ पर नहीं की जाएगी. उसमें सिंपली आपको एक ही फंडामेंटल को फॉलो करना है कि जो भी आपकी रिसीप्स हुई हैं उनको आप डेबिट कीजिए और जो भी आपकी पेमेंट्स हुई हैं चाहे वो किसी भी नेचर किसी भी पीरियड की हो उनको क्रेडिट करेंगे. और ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश इन बैंक एंड द क्लोजिंग बैंक बैलेंस को हम इसमें शो करते हैं. आप एक बार फॉर्मेट देखेंगे आप कि फॉर्मेट में आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको रिसीप्स एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करना है. यस, यहाँ पर फॉर्मेट है. सबसे पहले यहाँ पर जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम आएगा और उसके बाद रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर. अभी बोर्ड एग्जाम्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो फॉर्मेट है उसका प्रॉपरली ध्यान रखेंगे उसको प्रॉपर. एक चाहे आपको क्वेश्चन पूरा आता हो लेकिन अगर आप में प्रॉपर फॉर्मेट नहीं हो तो उसके भी नंबर होते हैं तो वहां पर मार्क्स आपके कटने नहीं चाहिए. ये डेबिट साइड है, एज अ टी अकाउंट हम इसको ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले दिस इज योर डेबिट साइड अमाउंट, क्रेडिट साइड है अमाउंट. सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पर कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंसेस को लिखोगे. उसके बाद ये सारे हमारे इनकम्स वेदर दे आर रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम. यहाँ पर सब्सक्रिप्शन की इनकम हुई है तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया. जनरल डोनेशन ये रेवेन्यू इनकम है, यहाँ पर आ गई. देखिए क्योंकि हमारा जो कैश है वो एक डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स है और एसेट्स के डेबिट बैलेंसेस होते हैं तो जो जो भी आइटम आपके कैश को इंक्रीज कर रही है वो हम सब डेबिट में करेंगे. और जिस भी आइटम से जिस भी एक्सपेंडिचर से आपके कैश का और बैंक का बैलेंस कम होता है उसको हम क्रेडिट साइड पे रखेंगे. तो यहाँ पर ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस ये हमारा कैपिटल रिसीप्स है लेकिन डेबिट में आ जाएगा. जनरल ग्रांट्स हैं तो इसको आप देखेंगे नहीं कि कौन सी हमारी रेवेन्यू है या फिर कैपिटल है. आपको सारे लीगेसीज क्या होती है, लीगेसीज होती है वसीयत. अगर विल
अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है और उसकी डेथ होती है और तो वो अपनी विल में पहले से लिख देता है कि उसकी प्रॉपर्टी सारी या उसका कुछ पार्ट इस पर्टिकुलर ट्रस्ट को देना है, तो वहां पर वो उस ट्रस्ट